नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी शिफ्ट वन के 7 जनवरी 2021 के यहाँ पे मैं 21 लिख देता हूँ, 7 जनवरी 2021 के सामान्य ज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आप लोग से क्या पूछा गया है कि झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या है। तो आप लोग सभी को पता है कि द्रौपदी मुर्मू क्या है, झारखंड के राज्यपाल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लार ग्रंथि किससे बनी होती है। तो आप लोग को पता होगा फैट टिश्यू से। आगे देखिएगा, आगे पूछा गया है कि ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो चार्ल्स डार्विन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था। तो आरोग्य सेतु ऐप को बनाया गया था नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा, 2 अप्रैल 2020 को इसे लॉन्च किया गया था, ये भी पूछा गया था। उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5, ईरान की करेंसी क्या है। तो आप लोग सभी को पता है ईरान की करेंसी क्या है, रियाल है। आगे पूछा गया तानसेन का मकबरा कहाँ पे है। तो तानसेन का मकबरा कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, उत्तक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो जेवियर बीचैट को कहा जाता है, बीचैट को बोला जाता है उत्तक विज्ञान का पिता, हिस्टोलॉजी का पिता, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। तो गार्विन इरविन पैक्ट साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। UNO के प्रेसिडेंट कौन है। तो तीजानी मोहम्मद बांडे, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे पूछा गया है कांजीरंगा उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो कांजीरंगा उद्यान असम में स्थित है, यह आपसे पूछा गया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो लीनियस ने दिया था, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, लीनियस ने दिया था। आगे देखिए, भारत के पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1913 में, ठीक है। आगे देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे। तो सभी को पता है न्यूयॉर्क में। WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होता है इसका फुल फॉर्म। UNSC के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं UNSC के। एशियन फुटबॉल कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा। तो चीन में होगा। आगे देखिए, 2022 का शीतकालीन ओलंपिक किस देश में होगा। तो बीजिंग में, चीन में होगा। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो नीतीश कुमार, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। आगे पूछा गया कि NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आगे देखिएगा, क्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो करीना कपूर खान। आगे देखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आगे देखिएगा, किस वर्ष महात्मा गांधी ने चौरा चौरी होगा यहाँ पे, ठीक है, चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो ये सही आंसर होगा 1922 में। आगे देखिए, 18वें एशियाई गेम में पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो बजरंग पुनिया, भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल इन्होंने ही जीता था 18वें एशियाई खेल में। आगे देखिए, GDP के मामले में भारत की रैंकिंग कितनी है। तो GDP के मामले में भारत का 5वां स्थान है। आगे देखिएगा, आगे पूछा गया कि पंचायत राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो पंचायती राज्य दिवस 24 अप्रैल 1993 को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, SBI सूचकांक 2019 में सर्वोच्च रैंकिंग किस देश की है। तो नॉर्वे की है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे जो है ना, वो नंबर 1 प्लेस पे है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय हिंदू दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को राष्ट्रीय हिंदू दिवस मनाया जाता है। कार्बन का अपरूप पे क्या होता है। तो कार्बन का अपरूप क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ये पूछा गया था। विश्व पुस्तकें और कॉपीराइट दिवस से किस तिथि को मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में कितने संघ शासित और राज्य है। तो 8 और 28, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य के साथ है। तो आंध्र प्रदेश, ये पूछा गया था। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये पूछा जा चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो UP हो जाएगा। 105वीं भारतीय विज्ञान सम्मेलन किस राज्य में आयोजित की गई। तो मणिपुर में आयोजित की गई।
पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसका केमिकल नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो थायराइड ग्रंथि होती है, ये भी साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था। कोविड-19 का पूल परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन सा, यूपी, ठीक है, ये पूछा गया। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, 287 होता है। 2017 किस से विवादित सीमा के लिए भारत ने चाइना का विरोध किया था 2017 में, डोकलाम को, ठीक है, डोकलाम को लेकर भारत चीन के बीच में काफी विवाद हुआ था, डोकलाम में, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया, पूछा जा सकता है। 70-80 दिन तक ये विवाद चला था, बातचीत से सुलझा दिया गया था उस समय। और ये जो डोकलाम है ना, ये पठारी इलाका है, यहाँ सड़क बनाने की कोशिश कर रहा था चीन, और उसके बनाने की कोशिश से करने का विरोध किया गया था। वैसे डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवाद है, ठीक है, तो ये इसके लिए भारत ने चाइना का विरोध किया था। आगे देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ मैं बता देता हूँ। धारा 377 के वकील का नाम क्या है, तो अरुंधति कटाजू और मेनिका गोस्वामी। मैं बता दूं, ये दोनों जो वकील है ना, ये दोनों क्या थे, एक कपल थे, इसका खुलासा इन्होंने एक न्यूज चैनल पे किया था, और ये दोनों कपल थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये घटना काफी लोग ध्यान नहीं दिए होंगे इस घटना को, बट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके रिलेटेड और भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछा जाएगा। आर्टिकल 377 क्या है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो मैंने आप लोग देख लीजिएगा धारा 377 क्या है। तो यहाँ जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे जो आ चुके हैं आपके एग्जाम में, आज के एग्जाम में 7 जनवरी शिफ्ट 1 के एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आ गए थे जीके और साइंस के, उन सभी क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को करवा दिया यहाँ पे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।